हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। प्रशांत किशोर राजनीति का एक जाना माना नाम है। इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है क्योंकि चुनावी रणनीति बनाने में इनका कोई जोर नहीं। यह नाम 2014 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर आया था क्योंकि यही वो नाम था जिसने उस आम चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तैयार की थी। हालांकि प्रशांत किशोर वही थे जिन्होंने 2012 गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में भी मदद की थी। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के तरीके को ही बदल डाला और उसे पूरी तरह से मॉडर्न बना दिया। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की भागीदारी हो या जनता से सीधा सरोकार हो या फिर किसी कैंपेन के लिए किसी भी नारे को हिट कराना हो, प्रशांत किशोर यह सब में कुशल हैं। 1977 में जन्मे प्रशांत किशोर की माता बलिया से हैं जबकि इनके पिता बिहार सरकार में डॉक्टर हैं और उनकी पोस्टिंग बक्सर में हुई थी। हालांकि रोहतास जिले का कोनार गाँव इनका अपना पैतृक गाँव है। राजनीति में कदम रखने से पहले प्रशांत यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करते थे जहां उन्हें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। प्रशांत किशोर ने गुवाहाटी की एक डॉक्टर से शादी की जिनका नाम जानवी दास है और दोनों का एक बेटा भी है। 2014 के आम चुनाव थे और उसी दौरान प्रशांत किशोर ने एक नॉन प्रॉफिट टीम बनाया जिसका नाम था CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। CAG में IIT और IIM से पास आउट उन ग्रेजुएट्स को हायर किया गया जो उस वक्त JP Morgan, मैकेंसी और गोल्डमैन जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि यूथ को पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट करना और साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से कैंपेन को ताकत देना। प्रशांत किशोर और उनकी टीम को चाय पे चर्चा, 3D रैलियाँ, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया जैसे महत्वाकांक्षी कैंपेन्स के लिए भी जाना जाता है और यही वो रणनीतियाँ थी जिसने 2014 के चुनाव में कमल खिलाने में मदद की। हालांकि बाद में वो चाहते थे कि उनकी संस्था CAG को भी और ऊपर दर्जा दिया जाए जिसमें उनके और BJP के बीच सहमति नहीं बनी और उनके रास्ते अलग हो गए। बाद में उन्होंने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस को अहम जीत दिलाई और कहीं कहीं पे उनकी रणनीतियां फेल भी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी नज़दीकियां थी और इसी कारण प्रशांत किशोर ने 16 सितंबर 2018 को JDU ज्वाइन कर लिया और उन्हें पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। रोहतास जिले का कोनार गाँव है प्रशांत किशोर का पैतृक गाँव। हालांकि वह यहाँ ज़्यादा दिन तो नहीं रहे क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग बक्सर में थी, लेकिन इनके दादा दादी और कई रिश्तेदार यहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर के बढ़ते राजनीतिक कद से उनका पूरा परिवार काफ़ी खुश है। ब्राह्मण परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर के दादा और दादी को उन पे नाज है और वो कहते हैं कि बचपन से ही प्रशांत तेज बुद्धि के थे। आजकल प्रशांत किशोर को पॉलिटिक्स में PK के नाम से भी जाना जा रहा है और उनके परिवार का पूरा सदस्य अपने PK की इस कामयाबी पे काफ़ी खुश है। बिहारी न्यूज़ भी PK को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और हम उनसे यही आशा करते हैं कि वो खुद चमके और अपने इस चमक से पूरे बिहार को दमकाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।